कंगना, दोस्ती का बेसिक रूल होता है कि दोस्त के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया जाता। तो पलाश सर तुम्हारे दुश्मन है? दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम चाहते हो ना कि हमें इंटर्नशिप छोड़ दे, हम अभी छोड़ देते हैं सागर। ये तो सिर्फ एक ही मौत देखी है तुमने, ऐसे कई सारे लोग हैं जो न जाने कब कहां कैसे अपने हंसते खेलते परिवार को इस तरह रोता और बिलखता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। जी सजा, पैसे मेरे पास नहीं है यश। तो टैबलेट भी नहीं है, देखो खाली। तुमने जो फैसला लिया है इसे निभाना बहुत मुश्किल है। ये फैसला हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कोई और इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन गंगा ने कभी आसान रास्ते पे चलना सीखा ही नहीं। तुम्हारे पास टैबलेट्स है, जस्ट स्टॉप स्माइलिंग, ओके? जस्ट गिव मी द टैबलेट्स। अरे कहाँ है टैबलेट्स? भाभी तुमने तो मुझे डरा दिया। वैसे एक भरी बॉटल भी है मेरे पास, लेकिन उसके लिए पैसे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये रखो, 10,000 है, बाकी के पैसे तुम कला के ले जाना। सिर्फ 10,000? पैसे तो मैं पूरे लूंगा भाभी, ये क्या रंगबाजी है भाभी। अब देखो, इतने अमीर घर में शादी, ऊपर से इतनी खूबसूरत भाभी और तुम्हारा पति भी तो लॉयर है ना, सबसे बड़ा लॉयर, नहीं उससे तो मांग ही सकती हो, नहीं? जानवी। Oh my God, सागर, तुम जाओ यहाँ से। कौन है? नहीं मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सागर कुछ ढूंढ रहे हो? कुछ चाहिए था तुम्हें? रुको सागर, ये साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो तुम? तो तुम देखती भी नहीं हो जैसे मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई एम योर वाइफ, डैम इट। आई नो जानवी, मैंने उस दिन ये बात मान लिया था ना, तुम मेरी वाइफ हो, मैं सारे अधिकार सारे हक दे दिए थे मैंने, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, प्यार, प्यार। बैठो। अम्मी आई नो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, समझता हूँ कि तुम्हें तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मेरा मेरा प्यार चाहिए। एक पत्नी के अधिकार मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे सकता हूँ, प्यार नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम कुछ भी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। भरी बॉटल भी है मेरे, लेकिन उसके लिए जानवी, जस्ट बिलीव मी कि तुम्हें इस हाल में देखकर मैं बहुत गिल्टी फील करता हूं। लिसन, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे 1,000 गुना अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाएंगे तुम्हें। मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जानवी, प्लीज, कोई मतलब नहीं होगा उसका। मुझसे डाइवोर्स चाहती हो तो बोल दो, क्या चाहती हो बता दो। क्रेडिट कार्ड, व्हाट? हाँ, मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरी भी तो कुछ जरूरत है, और वैसे भी शादी के बाद टैक्स से पैसे मांगना अजीब लगता है,
अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मामा से कितने पैसे मांगती रहूंगी? अगर एज ए हस्बैंड मेरी जरूरत पूरा करना तुम्हारी भी ड्यूटी है, राइट? बस यही चाहिए तुम्हें? मेरा क्रेडिट कार्ड? I don't believe this. मैं क्या क्या सोच रहा था तुम्हें लेकर। टिकट टिकट रखो, एक क्रेडिट कार्ड। जानवी तुम ना सही कह रही थी, तुम्हारी जरूरतें को पूरी करना मेरी ड्यूटी है। एंड लकीली तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है, एंड डेफिनेटली ये सब मैं पूरी कर सकता हूँ आराम से। और ये सिर्फ कार्ड क्यों, मैं अपना बैंक अकाउंट भी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ अगर तुम्हें इसी से खुशी मिलती है। सोचा नहीं था जानवी कि तुम बहुत छोटी निकली जानवी, बहुत छोटी। मैं सिर्फ मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए था। ये तुमने क्या कर दिया जानवी? Oh God! तुमने कुछ नहीं किया भाभी, जो करवाया मैंने करवाया। ये तो इन टैबलेट्स का कमाल है। सागर का बैंक बैलेंस, उसका क्रेडिट कार्ड तुम्हारी मुट्ठी में, और तुम मेरी मुट्ठी। सागर, सागर हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ नहीं। सागर, सागर हम कुछ कह रहे हैं केस के बारे में, बहुत जरूरी बात। क्या तू केस छोड़ रही है? पहले हमारी बात तो सुनो ना। तू केस छोड़ रही है या नहीं? ये कैसी जिद है सागर? हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब तू मेरे खिलाफ लड़ेगी? उस पलाश के साथ मेरे मना करने के बाद भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो तो सुनो ना सागर। सुनने को बचा क्या है गंगा? क्या बचा है? तूने डिसाइड कर लिया ना? बस हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता था, वो तूने तोड़ दिया गंगा। इस पलाश के लिए? वो इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गया तेरे लिए? पलाश इम्पोर्टेंट नहीं है सागर हमारे लिए, हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं है। तुम्हारे कहने पर हम उसे वहां मना ही करने गए थे, वहां जाकर हमने जो देखा जो सुना उसके बाद हमारी आत्मा हमारा मन इंसाफ की इस लड़ाई को बीच में छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इंसाफ की लड़ाई? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है गंगा? कि वो पलाश बैनर्जी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ? गंगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता क्या कर रहा हूँ? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सागर, बहुत बड़ी गलती। सागर प्लीज एक बार ना ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो। तुम जिन लोगों का साथ देने जा रहे हो ना, वो किस तरह के लोग हैं तुम जानते भी नहीं हो। ना जाने कितने मासूम लोगों को नशे का आदी बना दिया उस कंपनी ने। पलाश बैनर्जी पे हमला करवाया और इस केस से दूर रहने के लिए उसे रिश्वत भी देना चाहते थे। सागर रेंटॉक्स जैसी कंपनी ने ना जाने कितने घर तबाह कर दिए, कितने मासूम लोगों की जान ले ली है। जिन लोगों का साथ तुम दे रहे हो ना सागर, वो लोग कातिल हैं, हथियारे हैं। सागर प्लीज हमारी बात पे भरोसा करो, वो लोग इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्लीज सागर उनका साथ मत दो, हमारी बात मान लो, तुम ये केस छोड़ दो, तुम पलाश का साथ दो, क्योंकि वो सच के लिए लड़ाई लड़ रहा है इन गलत लोगों के खिलाफ। प्लीज सागर।
एक कहानी तुझे पलाश ने सुनाई है। वाह, कितने अच्छे से सिखा पढ़ा के भेजा है तुझे कि जाओ सागर के पास जाओ और उसे ये कहानी सुनाओ, कान भरो उसके, बहकाओ उसे, क्योंकि अगर सागर रास्ते से हट गया तो जीत पलाश की होगी। और तू गंगा, उसकी एजेंट बनकर आ गई तू भी। तुम पागल हो गए हो क्या सागर? ये क्या बोल रहे हो तुम? पलाश तो जानता भी नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम पलाश के एजेंट बन के आएंगे, तुम्हें बहकाएंगे, तुम्हारे कान भरेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें हराना चाहते हैं? ऐसा सोचते हो हमारे बारे में? कैसे ना सोचूं? हाँ गंगा, कैसे ना सोचूं? तू देख अपने आप को, तू उसकी बातों में आ गई है। वो पलाश एक नंबर का फ्रॉड है। वो ब्लैकमेल कर रहा है उन लोगों को। इस केस को छोड़ने के लिए बड़ी रकम मांग रहा है वो। पलाश ऐसा नहीं है सागर। अच्छा, क्या बात है गंगा, तू उसे बहुत जल्दी पहचान गई इतने अच्छे से। कमाल है, इतने सालों में तू मुझे इतने अच्छे से नहीं समझ सकी। नेवर माइंड गंगा, गलती हम दोनों से हुई थी शायद, मैं तुझे आज तक नहीं समझ सका, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह समझ गया मैं तुझे। सागर, सागर प्लीज हमारी बात सुनो, हम कुछ। सागर, सागर वो लोग अच्छे लोग नहीं है। सागर प्लीज, सागर हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। सागर प्लीज हमारी बात तो सुनो। सागर प्लीज, सागर तुम एक केस छोड़ दो, हम कह रहे हैं ना। सागर, सागर प्लीज, सागर। भाभी, उसे लगता है कि हमने धोखा दिया उसे। हमने उसे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। पता है भाभी, कभी-कभी ना उसका बचपना देख के मैं बहुत गुस्सा आता है। मैं समझ में नहीं आता हम क्या करें। गंगा, 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 शांत हो जाओ। पुलकित भी यही कह रहे थे कि सागर में इतना बचपना है, उसे अपने गुस्से पे जरा भी काबू नहीं। पता है पुलकित क्या कह रहे थे? कि गंगा को शिवजी जैसा साथी चाहिए, जिसने गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लिया था गंगा। लेकिन पुलकित वो नहीं देख पाते जो एक औरत होने के नाते मुझे नजर आता है गंगा। सागर ही तुम्हारा शिव है। सागर ही वो किनारा है जिससे तुम हर रोज मिलती हो, बिछड़ती हो गंगा। सागर ही वो सागर है जिसमें एक दिन गंगा को जाकर के मिल जाना है। नहीं भाभी, अब ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। कहाँ बदल गया है? क्या बदल गया मुझे बताओ? कुछ नहीं बदला है गंगा, अपनी आंखों को देखो। मुझे तुम्हारी आंखों में अब भी सागर के लिए वही प्यार नजर आता है, वही तड़प। कितनी फिक्र करती हो तुम उसकी, इतनी फिक्र कि तुम ये देख नहीं पाओगे कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। पलाश एक नंबर का फ्रॉड है। वो ब्लैकमेल कर रहा है उन लोगों को। इस केस को छोड़ने के लिए बड़ी रकम मांग रहा है वो। पलाश ऐसा नहीं है सागर। क्या बात है गंगा, तू उसे बहुत जल्दी पहचान गई इतने अच्छे से। कमाल है, इतने सालों में तू मुझे इतने अच्छे से नहीं समझ सकी। क्यों गंगा,
तूने ऐसा? तुम जिन लोगों का साथ देने जा रहे हो ना, वो किस तरह के लोग हैं तुम जानते भी नहीं हो। ना जाने कितने मासूम लोगों को नशे का आदि बना दिया उस कंपनी ने। पलाश बैनर्जी पे हमला करवाया और इस केस से दूर रहने के लिए उसे रिश्वत भी देना चाहते थे। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कल सुबह। जी गुड मॉर्निंग मिस्टर चतुर्वेदी। कोई खास बात जो मिलने की इतनी जल्दी थी? आपने पलाश को रिश्वत देने की कोशिश की थी, अटैक करवाया था उस पर। ये सवाल है या इल्जाम? अभी तक तो सवाल ही है। ओके। इसका जवाब है मेरे पास। मिस्टर पलाश बनर्जी को खुद नहीं पता कि उसके ऊपर अटैक किसने किया। उसके इल्जाम लगाने से क्या होता है? जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती, और रही बात रिश्वत की, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। आप खुद सुन लीजिए पलाश की जुबान से। हेलो मिस्टर पलाश बनर्जी, हमने आपस में डिस्कस किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम आपको 10 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 5 लाख देंगे। मैं सब्जी भाजी नहीं बेच रहा मिस्टर मल्होत्रा, जो आप मुझसे मोल भाव करेंगे। 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए मुझे। और अगर हम ना दे तो अंजाम क्या होगा खुद ही देख लीजिएगा। आप हमको धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा मिस्टर मल्होत्रा, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। आई होप यू गेट इट। ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आपको। सर 10 लाख किससे मांग रहे थे? अब तो आपको यकीन हो गया ना मिस्टर चतुर्वेदी कि पलाश इस केस को रफा दफा करने के चक्कर में हमसे रिश्वत मांग रहा था। या अब भी कोई शक हमारी कंपनी पे? तुम्हें क्या लगा मैं किसी से रिश्वत मांग रहा हूं? वो देखो, जो आदमी कल मरा था ये उसके परिवार वाले, उसके बीवी और बच्चे, पूरे घर में एक ही कमाने वाला था। अब इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? एक इंसान की जान और उसके परिवार का पूरा फ्यूचर। 10 लाख तो बहुत कम है गंगा, और ये पैसे के लालची लोग इसमें भी भागदौड़ कर रहे हैं। इन्हें पैसे नहीं देना चाहिए। आपके पति की मौत का मुआवजा मैं आपको दिला के रहूंगा। ये कोई भीख नहीं, आपका हक है, और ये हक आपको मिलना ही चाहिए। गंगा, वो जो फ्रेश एविडेंसेस के साथ हमने एक पिटीशन तैयार की है, उसकी कॉपी है तुम्हारे पास? यस सर। चलो उसे कोर्ट में सबमिट करनी है। एक्सक्यूज मी, ऑपोजिशन की तरफ से पिटीशन का जवाब आ गया? काश सागर असलियत समझ पाए और मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी करने वालों को छोड़कर सच और इंसाफ की तरफ लौट आए। गंगा चलो हियरिंग का टाइम हो गया। Wish you all the luck, Mr. Palash Banerjee.
थैंक यू। आई होप आपने अच्छी रिटर्न पिटिशन सबमिट की है, क्योंकि इस बार मैं आपकी बाजी पलटने वाला। मेरी पिटिशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी टाइट है कि आप एक मिनट भी कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। किसकी पिटिशन अच्छी है, किसकी नहीं, किसके साथ क्या होने वाला है और कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये तो कोर्ट की हियरिंग में ही पता चलेगा। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू। गुड लक विद द केस। गुड लक की जरूरत मुझे नहीं, आपको है मिस्टर पलाश बैनर्जी, क्योंकि ये केस मैं जीतने वाला हूं।